तो वहाँ भी क्या चाल, सब बढ़िया। स्वागत है तुम्हारा ओजी डूड की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। हाँ, पूरे एक साल बाद तुम्हें जानकर बेहद ही खुशी होगी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है। साले क्या लिख दिया राइटर, ये साले पुनर्जन्म की कहानी थोड़ी लिख रहा हूँ, एक ही साल तो छुट्टी पे था। हाँ भाई, स्वागत है तुम्हारा एक साल बाद फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो जब से मैंने YouTube को छोड़ा था उसके बाद से YouTube पे बहुत से ई लफड़े और बहुत सी कंट्रोवर्सी देखने को मिली, लेकिन मैं उन सबको कवर नहीं कर सका क्योंकि मैं मेरी बेकार लाइफ में बहुत ज्यादा ही बिजी था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा यार, जितना हो सके अब मैं YouTube कंटिन्यू करने वाला हूँ और HHH के अंदर हर एक टॉपिक के ऊपर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने को मिलेंगी। तो अब कर लो चैनल को सब्सक्राइब और आओ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपी सिंह का सॉन्ग बैंगर के बारे में। तो इस वीडियो को तुम कोई ब्रेकडाउन या फिर रिव्यू वीडियो समझ सकते हो, तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सॉन्ग के डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो सॉन्ग का टाइटल है बैंगर और इसमें हमें आरपी सिंह और किड्डी भाई देखने को मिलेंगे। तो इस सॉन्ग में सिंगर, लिरिक्स और कंपोजिशन, ये तीनों ही चीज आरपी और किड्डी भाई ने मिलकर कर रखी है। और हाँ, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो बैंगर सॉन्ग है ये स्पिनर जो आरपी भाई की एल्बम आने वाली है उसका हिस्सा होने वाला है। उस एल्बम के बाकी ट्रैक अभी तक आए नहीं है, तो ये ट्रैक उस एल्बम का पहला ही ट्रैक हो सकता है। तो इस ट्रैक में हमें म्यूजिक देखने को मिलेगा डीजे स्काई भाई का, और डीजे स्काई भाई का म्यूजिक हमें ज्यादातर केडी और खास साढ़े चार के सॉन्ग्स में देखने को मिलता है। तो आओ अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ट्रैक की वीडियो की बात करूं तो ये वीडियो पूरी की पूरी ग्रीन स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर रखी है। ग्रीन स्क्रीन का मतलब नहीं समझते तो बता दूं, हॉलीवुड की ज्यादातर मूवीज ग्रीन स्क्रीन पे रिकॉर्ड की जाती है, जिससे हमें एक ही जगह पे रह के एडिटिंग की मदद से बैकग्राउंड में हर तरह की लोकेशन दिखाई जा सकती है। इससे सॉन्ग के बजट में बहुत ज्यादा हेल्प होती है क्योंकि हमें बार बार नई नई जगह पे नहीं जाना पड़ता सॉन्ग की शूट के लिए, और एक ही जगह पे एडिटिंग से हम अच्छे से अच्छा गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। मलाई सी कलाई दी उमर रोड मेरी जान, क्या की छोड़ो माई गोड, ओ माई गोड मेरी जान, टकरिया तो कौन सू बता दूं, तार चांद तारा ते सारा पेन चार। बात करूं लिरिक्स की तो लिरिक्स में आरपी भाई ने कुछ इस तरह की स्टोरी दिखा रखी है कि एक लड़की है जिसे आशिकों ने बहुत ऊपर आसमान पे चढ़ा दिया है, और जिस शरीर का तू तो गुमान कर रही है इसे गुमान करना छोड़ दे, नहीं मेरे बस की तो मलाई सी कलाई मरोड़ दूंगा, और एक बार जतरी कलाई पकड़ ली तो छुटा तू भी नहीं पाओगी। एक बार जब टकरी फिर बताऊंगा मैं कौन हूँ, तने मेरे इशारे पर नचाऊंगा, और तू कहेगी मैं बम हूँ तो तने बजा दूंगा, और तू कहेगी मैं फ्रूट हूँ तो तने खा जूंगा। जो तने आशिक मारे हैं नखरे कर करके, आज तने उनकी मैं सजा दूं। और ट्रैक में कुछ बेस्ट राइमिंग्स की बात करूं तो कुछ ऐसे वर्ड राइम कर रखे हैं जिनकी तुमने सोची नहीं होगी। पहली राइमिंग मेरी यह फेवरेट है कि कहेंगे कोई लेगा दिल लूट कर फलानी का, कहेंगे लेगा दिल लूट कर फलानी का, फ्रूट की से टाणी का तू ऊत में पीवा, कि इतना भूखा जाऊं रोटी के लथाली का, मन ना बेरा रे तू बम बना दिवाली का, इतना भूखा जाऊं रोटी के लथाली का। और एक पंच यो भी बहुत तगड़ा है गाने में, तने लग गांधी जो नोट पर छप रहा है वो तन्ने देख का से है, और लिरिक्स में इस बार आरपी भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, हर एक लाइन ऐसी लगा है जैसे पंच लाइन है। तो वीडियो के बीच में कुछ इस तरह का सीन भी है कि जैसे आरपी भाई का वर्ष खत्म होता है, फिर आरपी भाई केडी भाई को बुलाने जाते हैं कि भाई तेरा पार्ट आ गया, और फिर केडी भाई कुछ वीडियो में इस तरह एक्ट करते हैं कि जैसे अभी वो सो रहे थे और सो के उठ के ही आए हैं, सीधा ही अंगड़ाई लेते ही गाने लगे, और फिर लिरिक्स कुछ इस तरह के आते हैं कि क्यों अड़जी पड़ी है सास बहू वाले नाटक में, आ जाता ना गोवा लेकर चालू घुमान वाया कर्नाटक में, मतलब ये दो जगह है जहाँ पे घूमने जाया जा सके है। तो केडी भाई नु ही कह रहे हैं कि आ जाता ना घुमान ले चालू, और कहेगी तो मच्छिया के लगोते भी मरा दूंगा, कहेगी तो तने जहाज यार्ट भी दुबा दूंगा, मच्छिया की गेल मच्छी गोते भी मरा दूं, छाड़ डाला मैंने मारी तोरा छोरा को नहीं जाट का मैं, यार्ट का जी शौक जाज पानी यार ले ली। इस बार केडी भाई के लिए कुछ इस तरह है कि छोरी तो पूरा रोड मैप समझा रहा है किस तरह हम जावांगे और कहां पर जावांगे, जैसे कि दादरी ते टम्पू तू बयानी वाला ले लिए, बयानी में गाड़ी का तेल फुल करा के पंजा दाब देंगे, तू गैर लाए जाइए, जयपुर वाला रोड था 16 घंटे में गाड़ी पणजी में बांट देंगे, सारी पक्कियां में लारे कड़ा लाने, तोड़ के ये चांद और तारे कड़ा लाने, काटना है केक मोमबत्ती।
और ऐसा ना समझिए कि लारे ला रहा हूँ, ना लारे नहीं ला रहा, चांद तारे तो नहीं तोड़ सकता तेरे लिए, लेकिन हाँ तेरा बर्थडे जरूर बनवा दूंगा, केक भी कटवा दूंगा, मतलब पूरा एंजॉय करवा दूंगा तने। सीधे शब्द में केडी भाई नू कहना चाह रहा छोरी ते। तो ट्रैक का शुरुआत का वर्ष आरपी भाई ने गाया और फिर उसके बाद केडी भाई ने गाया, लेकिन जो लास्ट का वर्ष था उसमें दोनों ही भाई ने मिलकर गा रखा है। एक बार तो मैं कंफ्यूज भी हो गया था कि कौन सा आरपी और कौन सा केडी भाई का है। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल ट्रैक की बात करूँ तो मुझे ये ट्रैक बहुत ज्यादा ही पसंद आया है। अगर इस ट्रैक ने मैं आरपी भाई के बाकी जो कोलैब्स थे जिनमें आरपी ने दूसरे लोगों के साथ कोलैब कर रखे हैं उन तक कंपेयर करूँ तो यो आज तक का आरपी का मन सबसे बेस्ट कोलैब लग गया। इस पूरे ट्रैक में केडी और आरपी भाई की एनर्जी बिल्कुल मैच कर रही है। थमने बिल्कुल फील नहीं होगा कि इनमें से कोई सा एक आर्टिस्ट एक दूसरे ने ओवर पावर कर रहा है। ओवरऑल ट्रैक की बात करूँ तो ट्रैक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और रोज 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 गिला बने रखा गोज करने गोलियां।